We, the Sisters of the Good Shepherd, are delighted to present to you the beginnings of our congregation, Our Lady of Charity of the Good Shepherds. The presentation is in collaboration with the Christian Life Commission of the Nagpur Diocese. We do hope many in our diocese would view this presentation and spread the message around to your friends and relatives and make known our congregation in India and abroad. फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सभी सामाजिक कार्यों को रोक दिया गया और इमारतों को नष्ट कर दिया गया। आंजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। वहाँ कई मौसमी मजदूर थे जिनके आवेद संबंध थे और इससे बच्चे पैदा हुए थे। मजदूर जब वापस अपने गांव आए तो इन बच्चों को आंजे में छोड़ गए। इन बच्चों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे सड़कों पर थे और भीख मांगते थे या भोजन लूटते थे। वे एक उपद्रव बन गए और लोग उनके व्यवहार से तंग आ गए। ऐसे बच्चों को जेल में डाल दिया जाता था जहाँ इनकी अच्छी देखभाल नहीं की जाती थी। उपद्रव से तंग आकर कुछ महिलाओं ने एक साथ मुलाकात की और चर्चा की कि वे इसे समाप्त करने के लिए क्या कर सकती हैं। हम कब तक ये उपद्रव सहते रहेंगे? मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। आइए चर्चा करें कि हम क्या कर सकते हैं। क्या हम अपने दम पर कुछ शुरू कर सकते हैं और इन बच्चों की मदद कर सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। प्रत्येक महिला बच्चों को आने के लिए आमंत्रित करती है। बच्चों, कुछ सीखना चाहोगे? हाँ। चलो हम शुरू करते हैं। मैं इधर लिखूंगी, आप भी वहां लिखिएगा। आ आ बे बे से से दे दे आ आ बे बे से से दे दे आ आ बे बे से से दे दे। बच्चों, खाकर हो गया? तो चलो हम फिर से शुरू करते हैं। ध्यान से देखो। आ आ बे बे से से दे दे आ आ बे बे से से दे दे आ आ बे। शुरुआत में ये बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे बेचैन और उब जाते हैं और उनकी बात नहीं मानते। वे बाहर जाकर मुक्त होना चाहते हैं। वे बड़बड़ाने लगते हैं। हम इधर उधर जाते थे और मस्ती करते थे और कूदना और पेड़ पर चढ़ना मजेदार था, लेकिन यहाँ हम एक जेल में हैं। हम जाना चाहते हैं, हम रहना नहीं चाहते। वे महिलाओं को बताते हैं और उनमें से कुछ चले जाते हैं। जो रह गए हैं वे कुछ समय के लिए अच्छे हैं, फिर वे भी परेशानी देना शुरू कर देते हैं। महिलाओं ने मिलकर अपनी समस्या पर चर्चा की। हम क्या करें? हम इन बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने तो हर संभव कोशिश की है। इसके अलावा हमें अपने परिवारों की भी देखभाल करनी है। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को संभालने के लिए सबसे अच्छे लोग नन हैं। वे समुदाय में रहते हैं और इस तरह का काम करते हैं। वे अपना सारा समय इन्हें दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास आंजे में कोई नन नहीं है, हम उन्हें कहाँ पाएंगे?
क्यों नहीं हम अपने पल्ली पुरोहित से इस बात के लिए कहें? चलिए। वे अपने पल्ली पुरोहितों के पास जाते हैं और अपना अनुभव बताते हैं। सुप्रभात फादर। सुप्रभात। सुप्रभात फादर। सुप्रभात। बैठिए। अरे हाँ, हमने आपके द्वारा शुरू किए गए नए कार्य के बारे में सुना है, आप इसे जारी क्यों नहीं रखते? फादर, हमें जारी रखना बहुत मुश्किल है, हमें उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा हमें अपने परिवारों की भी देखभाल करनी है, हम परिवार और घर दोनों नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या आप कुछ नन को नहीं जानते जो हमारी मदद कर सकती है? हम किसी नंस को नहीं जानते, नानसी में तो कोई नंस नहीं है। हाँ, मैं एक महिला को जानता हूँ जिसका नंस के साथ संपर्क है, मैं उनसे सलाह मांगूंगा। ठीक है फादर। ठीक। गुड मॉर्निंग जेनेवी। गुड मॉर्निंग फादर। जेनेवी, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ अनाथ बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं, वो एक बड़ा उपद्रव बन गए हैं। कस्बे की कुछ महिलाओं ने शुरू तो किया है, लेकिन उन्हें जारी रखना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनका सुझाव है कि ऐसे अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कोई नंस को लाए। क्या आप ऐसे कोई नंस को जानते हैं जो आंजे में आकर इस नेक काम को शुरू करने के लिए तैयार होगी? अरे हाँ, मैं एक नन को जानती हूँ जो इस तरह का काम करने के लिए तैयार होगी। वह आवर लेडी ऑफ चैरिटी की मदर यूफ्रेसिया है। आपको टूअर्स जाकर बिशप से और मदर से मिलना होगा। बहुत अच्छा, हम जाकर उनसे मिलेंगे। फादर जेम्स और फादर जॉन आंजे वापस आते हैं और अन्य फादरों को यह संदेश देते हैं और वह टूर्स जाने का फैसला करते हैं। काउंट अगस्टिन द नविल नाम के एक युवा सज्जन ने अपनी माँ के मृत्युशय पर उनसे वादा किया था कि वह उन लड़कियों और महिलाओं के लिए एक आश्रय खोलेंगे जिनके साथ द्रव्य व्यवहार का खतरा है। वह सोच रहा था कि क्या किया जाए। हाँ लुइस, बैठो। लुइस, मेरी माँ ने मुझे बहुत ही मुश्किल काम सौंपा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसा पूरा करूंगा। क्या आपके पास कोई विचार है, इस इच्छा को मैं कैसा पूरा करूंगा? मेरे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। और लुइस, मेरे पास इसका एक समाधान है। वह क्या है? हमें बिशप के पास जाना होगा और मेरी माँ से किए गए वादे के बारे में बताना होगा। जी। और उन्हें ये पैसे देकर इस कार्य को पूरा करने के लिए कहना होगा। आप सही बोल रहे हैं। वह अपने दाहिने हाथ लुइस के साथ बिशप से मिलने जाते हैं। शुभ संध्या काउंट द नविल, बैठिए। आप कैसे हैं लुइस? बिशप, मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा है कि आप भी ठीक रहेंगे। आपकी क्या समस्या है? बिशप, मेरी माँ के मरने के पहले हमारे शहर में कई लड़कियों और महिलाओं के लिए एक आश्रय खोलना चाहती थी जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन वह इनके पास इसका प्रबंध कर न सकी। अपनी मृत्यु के अंतिम समय में उन्होंने मुझसे यह वादा लिया और कहा, ऐसे बच्चों के लिए एक आश्रय खोलूँगा, उनकी इस नेक इच्छा को मैं पूरा करूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसा पूरा करूंगा। अगर कोई है जो इस काम को पूरा कर सकता है तो इस काम को शुरू करने के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं। यह 30,000 फ्रैंक है जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। कृपया इसे अपने पास रखें और इस नेक काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरे प्यारे नौजवान, आपकी इच्छा प्रशंसनीय है, लेकिन इस समय मैं आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं हूँ। यहाँ के पेरिस पल्ली पुरोहित ने भी कुछ ऐसा ही अनुरोध किया था। पैसे अपने पास रखें और जब भी हमें कुछ नन इस काम को करने के लिए तैयार मिलेंगी, मैं आपसे संपर्क करूँगा। ठीक है बिशप, मैं इंतज़ार करूँगा, कृपया मुझे सूचित रखें।
फादर जेम्स और फादर जॉन टूस जाते हैं और टूस में आ लेडी ऑफ चैरिटी का दरवाज़ा खटखटाते हैं और एक नन दरवाजे पर आती है। सुप्रभात फादर्स, कृपया अंदर आइए और बैठिए। सुप्रभात सिस्टर, मैं फादर जेम्स। मैं फादर जॉन। हम आंजे से आए हैं, हम मदर मेरी यूफ्रेसिया से मिलना चाहेंगे। ठीक है फादर्स। सुप्रभात फादर्स, आप कैसे हैं? सुप्रभात सिस्टर, हम अच्छे हैं। मदर, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं, हमें आशा है कि आप इस समस्या को हल करने में आप हमारी मदद करेंगे। यह क्या है फादर? जैसे कि आप जानते हैं, आंजे में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, वो एक बड़ा उपद्रव बन गए हैं। वह घरों से लूटते हैं और पेड़ों से फल चोरते हैं। उन्हें एक दिन की खाने मिलने की भी कोई संभावना नहीं है, इसीलिए हमें इन सब साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ महिलाओं ने इसे अपने घर से शुरू तो किया है, लेकिन इसे जारी रखने में असमर्थ है, क्योंकि उनका परिवार है और उनके बच्चे, जिनसे उनका समय बटा हुआ है। हमने एक पुरानी इमारत देखी है जो बिक्री के लिए है, इसके लिए आपको एक ऐसी जगह होगी जहाँ से अपना कार्य शुरू कर सकती है। मैं आपकी स्थिति को समझ सकती हूँ फादर, लेकिन मैं इसका निर्णय अकेले नहीं ले सकती, मुझे अपने सलाहकारों से बात करनी होगी। कृपया मुझे कुछ समय दें। धन्यवाद मदर, हमें आपसे ही ऐसी सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने की आशा है। आज आंजे से फादर जेम्स और फादर जॉन मुझसे मिलने आए। उन्होंने हमें परिवेक्त महिला और लड़कियों के लिए काम शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने हमें बिक्री के लिए रखी गई एक इमारत के बारे में भी बताया। वह हमारी काम करने में आर्थिक मदद भी करेंगे। वे हमें बहुत सी बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि आप हाँ कहें, बेहतर होगा कि आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाए और उस शहर और घर को देखे जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। क्या यह हमारे अपने लक्ष्य और लक्ष्य के अनुरूप है? क्या भवन रहने योग्य है? मैंने पुरोहितों से कहा है कि मैं आप सभी से बात करने के बाद उन्हें जवाब दूंगी। अब मैं आपके सुझाव से उन्हें अवगत करूँ। गुड मॉर्निंग फादर्स। आप जानते हैं, अनाथ बच्चे हमारे यहाँ एक बड़ा उपद्रव बन गए। कल हम टूर्स गए वहाँ की मदर ऑफ चैरिटी मदर यूफ्रेसिया से भी मिले और उनको हमने अपनी समस्या बताई। कल हम टाउन काउंसिल भी गए, वहाँ पर पुराने कारखाने की इमारत जो बिक्री के लिए है, हमने जो पैसे इकट्ठा किए हैं हम उससे वह खरीद सकते हैं। कल हम मदर यूफ्रेसिया से भी मिले हैं, उन्होंने हमें अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा है कि पहले वो अपने सलाहकारों से बात करेंगे और फिर जल्द से जल्द हमें सूचित करेंगे। बहुत अच्छा फादर्स, हमें उनके उत्तर की प्रतीक्षा करना होगा। हमारे यहाँ एक युवा सज्जन काउंटर नवील है जो इस परियोजना में मदद करने में रुचि रखते हैं। उनके पास कुछ पैसे हैं, वह मुझे दे रहे थे। मैंने उनसे कहा जब सब कुछ तय हो जाए जब मुझे दे दो। इसके बाद वह फादर जेन से कहा कि वह अंतिम निर्णय लेने से पहले उस घर को देखना चाहती है जो वे इसे दे रहे हैं। फादर जेम्स खुश हैं और अन्य पुरोहितों और बिशप को सूचित करते हैं। बिशप ने काउंट द नविल को सूचित किया। सेंट मेरी उफ्रेसिया और सिस्टर जोसिते सलाहकार आंजे फादर जेम्स के पास जाते हैं। जेम्स उन्हें बिशप के पास ले जाते हैं और वह काउंट द नविल से भी मिलते हैं जो उससे बहुत प्रभावित है। बिशप, ये मदर मेरी यूफ्रेसिया है। आप वहाँ क्या करते हो? वहाँ हम परिवेक महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इन्हें वो इमारत दिखा दे। ठीक है, जाइए। यही है वो इमारत जहाँ आप अपना कार्य शुरू कर सकती है। तब सिस्टर उस घर में जाती है जो वो उसे भेंट कर रहे होते हैं। वह जगह पसंद करती है और बहनों को यह बताती है कि वह वापस टूर्स जाती है और उनसे क्या देखा और अनुभव किया
वे आंजे में काम शुरू करने के लिए सहमत हैं। बहनों, हम आंजे गए थे, वहाँ हम बिशप से मिले। हमने वहाँ की इमारत को भी देखा, वह काफी बड़ी है और हम हमारा काम वहाँ शुरू कर सकते हैं। क्या इस काम को शुरू करने के लिए आप सब सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं।